हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज हम व्यस्त हैं। थोड़ा सा जो टेंट हाउस था उसका पर्दा जो था वो गंदा हो गया था, तो उसी को धो रहे हैं आज, और आपको दिखाएंगे धोएंगे कैसे और कितना मेहनत से धोना पड़ता है, कितना इसमें मेहनत पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो दोस्तों, इतना पर्दा जो है ये रखा हुआ, ये अभी हमने धो दिया है, इधर भी है और ये धोने के लिए रखा हुआ है। बाकी इसमें बोथ दिए थे शरब डाल करके, और देखिए इसमें बोथा हुआ है अभी, और बाकी इधर भी है बोथा हुआ, आप देख सकते हैं, और इधर भी है। ये सब बोथना है और बोथ करके सारा धोना है, क्योंकि गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग कहते हैं धोते नहीं कभी पर्दा को, पर उनके लिए भी ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि वो भी देखें धोते हैं कि नहीं धोते हैं। खुद अपने हाथों से धोते हैं हम लोग पूरा परिवार मिल करके, और इधर सारा सामान अभी रखा हुआ है, सारा ये सब धोना है, जो भी है ये सब, सारा जितना बिखरा हुआ है कपड़ा वो सब सारा धोना है। तो आप देखिएगा वीडियो के लास्ट तक पूरा पूरा, तब आपको समझ में आएगा कितना मेहनत पड़ता है इस कार्य को करने में, टेंट हाउस चलाने में क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो दोस्तों, देखिए ये कलर का जो पर्दा है वो धोवा चुका है, और दूसरे कलर का पर्दा जो है ये रेड और पीला ये बोथे हुए, और सफ़ेदी भी इसमें बोथा हुआ है। बाकी इधर कुर्सी कवर जो है वो धोवा गया है, और इधर टेबल कवर भी धोवा गया है, बाकी इतना बोथा हुआ है कुर्सी कवर, तो ये सब सारा धोवा रहा है अभी। इस प्रकार से मैसना पड़ता है सरफ में, तो देख सकते हैं ये समरसेबल चालू है मोटर, इसी से धो रहे हैं हम लोग। सो दोस्तों, देखिए ये कलर का जो पर्दा है वो सूखने के लिए डाला गया है, और ये सूख के अभी बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि अभी धूप बहुत कड़ा है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। और कुर्सी कवर पसार रही है अभी माँ, और अभी और धोना है, हालत ख़राब है धोते धोते, पर धोना तो ज़रूरी है। तो चलिए और पर्दा धोते हैं, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये पहले का जो पर्दा था वो सूख गया है, अब ये दूसरा कलर पर्दा डाले हैं सूखने के लिए। ये वाला सारा इधर रखा हुआ है, सारा एक साइड कर दिए, और ये पर्दा दिए हैं सूखने के लिए। ये भी हो जाएगा तो सारा एक बार फिर इसे मोड़ेंगे, मोड़ करके रखना होगा सहयार करके। तो देखिए, सो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरी दिन ये सब सुखाने के बाद अभी मोड़ा जा रहा है, अभी नाइट रात हो चुका है तो मोड़ा जा रहा है, और मोड़ करके इसे रखेंगे बक्से में, क्योंकि अभी थोड़ा दो चार दिन नहीं है तो सहयार कर, और है भी तो इतना सारा पर्दा का ज़रूरत नहीं है, तो जो ज़रूरत रहेगा वो निकाला जाएगा फिर, बाकी सारा रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सो दोस्तों देख सकते हैं कि सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है अभी, और धीरे धीरे सहयार रहे हैं अभी, धीरे धीरे रख रहे हैं, क्योंकि साइड पे जाता है तो वहाँ से हटाने में ही बेटर होता है। और ये सब पर्दा ये सब मोड़ दिया गया है,
अब इसे बक्से में रखेंगे अभी कुछ दिन के लिए, फिर जो ज़रूरत पड़ेगा वो निकलेगा। सो दोस्तों आज का बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।